दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। हम इंडियन पॉलिटी की सीरीज का पार्ट 7 यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को, उच्च न्यायालय को, राज्य सरकार को, राज्य के महाधिवक्ता को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य सरकार को। नेक्स्ट है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य को पद से हटाया जा सकता है। सदस्य का पूछा है इसमें, राज्यपाल के द्वारा उच्च न्यायालय के जांच के बाद, राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जांच के बाद, विधानसभा के महाभिनियोग प्रस्ताव के तहत राज्यपाल द्वारा, संसद के महाभिनियोग प्रस्ताव के तहत राष्ट्रपति के द्वारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जाँच के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए दलीय निर्वाचन की अनुशंसा कौन सी समिति ने की थी, ये आपको बताना है। के संथानम समिति, अशोक मेहता, जीवी के राव समिति और सादिक अली समिति? तो ये आ जाएगा अशोक मेहता समिति ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राज्यपाल, राष्ट्रपति, विधानसभा द्वारा और मुख्यमंत्री के द्वारा? तो उसका सही आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। मौलिक अधिकारों के हनन के लिए प्रभावित व्यक्ति रिट याचिका पेश कर सकता है, केवल उच्च न्यायालय में, जिला न्यायालय में, उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में? तो उसका सही आंसर जो हो जाएगा डी, उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल के द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु सुरक्षित रख सकता है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा अनुच्छेद 256, 257, 213 और अनुच्छेद 200। उसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 200। ये इसके इंग्लिश है, ये इसका हिंदी वर्जन यहाँ पे है। हमें ब्रिटिश मॉडल पर आधारित संसदीय लोकतंत्र को अपनाया है, किंतु हमारा मॉडल उस मॉडल से किस प्रकार भिन्न है, हमको ये बताना है। जहाँ तक विधि निर्माण का संबंध है, ब्रिटिश संसद सर्वोपरि है और संप्रभु है, किंतु भारत में संसद की विधि निर्माण की शक्ति परिसीमित है। सत्य है, भारत के में संसद के किसी अधिनियम में के संशोधन की संवैधानिकता के संबंध के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा संविधान पीठ को भेजे जाते हैं, ये भी सत्य है। तो उसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2। 79 क्वेश्चन नंबर आता है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है? तो इसका आंसर अनुच्छेद नंबर 21 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, संघ सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। एन गोपाल स्वामी अयंगर समिति के सुझाव दिया था कि किसी मंत्री या किसी सचिव को प्रशासनिक सुधार करने या उसे बढ़ावा देने के लिए पूर्णतः नामित किया जाना चाहिए। सही है, प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 की संस्तुति के आधार पर वर्ष 1970 में कार्मिक विभाग का गठन किया गया था और उसे प्रधानमंत्री के प्रभार के अधीन रखा गया था, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 78 का सही आंसर हो जाएगा सी। 80 है, भारत में ऐसा कोई कानून नहीं है जो प्रत्याशियों को बिना किसी एक लोकसभा चुनाव के 3 निर्वाचन क्षेत्रों से लड़ने से रोकता है। सही कथनों पर हमें विचार करना है, ठीक है, ये तो गलत है। नेक्स्ट, 1991 के लोकसभा चुनाव में देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ा था, यह सही है। वर्तमान नियम के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो पार्टी उन निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनावों का खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उसने खाली किया है, बशर्त तो सभी निर्वाचन क्षेत्रों में विजय हुआ हो। तो उसमें केवल सही विकल्प चुना है, तो ये भी गलत है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारे पास, कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यालय, कार्यपालक या प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित या अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है, या अनुच्छेद नंबर 14 का उल्लंघन करता है? नेक्स्ट आ जाएगा, इंग्लिश वर्जन है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ गया वो है 86 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका
स्वरूप जो होता है वो संघीय स्वरूप है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित है। संघ की विधायिका में संगठन और इकाइयों के निर्वाचित प्रतिनिधि होते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में क्षेत्रीय पार्टियों के निर्वाचित प्रतिनिधि हो सकते हैं। मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनी है। उसका सही आंसर जो हो जाएगा 86 का ए हो जाएगा। 88 है, भारतीय न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय से सेवानिवृत्त किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है। सत्य, भारत के किसी भी उच्च न्यायालय को अपने निर्णय के पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त होती है जैसा कि उच्चतम न्यायालय के पास होती है। ये भी सत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का केंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है? समता के अधिकार का, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का, स्वातंत्र्य का अधिकार का, कल्याण की अवधारणा का। तो सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा राज्य की नीति निर्देशक तत्व का। सांविधायिक सरकार का क्या आशय होता है? इसका आशय होता है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध हो, वो होता है सांविधिक सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? तो इसका आंसर है यह एक विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद जो उसने है मुख्यमंत्री का पद नहीं है, अंतरराज्य परिषद का सदस्य, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य, मुख्यमंत्री सलाहकार समिति का अध्यक्ष और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन अधिकृत होता है? तो ये इसका सही आंसर मुख्य न्यायाधीश, महान्यायवादी, महाधिवक्ता उच्च न्यायालय, राज्य सरकार को चाहे तो महाधिवक्ता। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में असत्य है वो बताना है। राज्यपाल को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए राज्यपाल सचिवालय कार्यरत है, सत्य। राज्य सचिवालय का प्रमुख राज्यपाल का सचिव होता है जो कि राजस्थान की प्रशासनिक सेवाओं का अधिकारी होता है, असत्य। राज्यपाल की अस्वीय की शक्तियों के लिए किए गए निर्णयों को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती, सत्य। राज्यपाल को मृत्युदंड के दंडादेश के विरुद्ध क्षमायाचन की शक्ति प्राप्त नहीं है, सत्य। तो इसका असत्य कथन जो हो गया वो हो गया बी। नेक्स्ट है, राजस्थान में राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ परामर्श करता है? मुख्यमंत्री के द्वारा, मुख्यमंत्री उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा में प्रतिपक्ष का नेता, ये सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहीं तक हमारे सारे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। आप सभी का यहाँ तक बने